नमस्कार दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2020 का नौवां लीग मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के चलते 4 विकेट के अंतर से जीत लिया और इस मैच को जीतने के साथ ही पॉइंट्स टेबल में 2 अंक भी अर्जित कर लिए हैं। इस मैच का टॉस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 183 रन की एक शानदार साझेदारी की। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए। अंत में निकोलस कुरन और ग्लेन मैक्सवेल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन का एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 50 गेंदों पर 106 रन की पारी मयंक अग्रवाल ने खेली। वहीं टीम के कप्तान केएल राहुल ने 54 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स के लिए अंकित राजपूत और टॉम कुरेन को 1-1 विकेट हासिल हुआ। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही। ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर टीम के मात्र 19 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे विकेट के लिए संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने 81 रन की एक बेहतरीन साझेदारी की। स्मिथ के आउट होने के बाद संजू सैमसन अच्छे शॉट्स लगाते रहे। राहुल तेवतिया ने भी अंत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। राजस्थान को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 50 रन की जरूरत थी, जो नामुमकिन लग रहा था क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन भी आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद राहुल तेवतिया ने शानदार बल्लेबाजी की और मात्र 31 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली। संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ और राहुल तेवतिया की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 224 रन के इस बड़े लक्ष्य को 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा 42 गेंदों पर 85 रन की पारी संजू सैमसन ने खेली। वहीं टीम के लिए 31 गेंदों पर 53 रन की पारी राहुल तेवतिया ने खेली। दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का हीरो कौन है, इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।